ओपन ओपन हो नहीं जी। बिहार के जहानाबाद जिले में प्रखंड मखदुमपुर स्थित इस्माइलपुर गांव में मांझी टोला में आग लग जाने से 12 घरों की नुकसान पहुंचा। गांव में खाना पकाने के लिए लकड़ी के चूल्हे को प्रयोग करते हैं। कई बार जाने अनजाने चूल्हे में से आग के लपटों से घर में आग लग जाती है। गांव में ज़्यादातर घर खरपुआर के बने होते हैं, इस कारण आग तेजी से फैल जाता है। ऐसे भी अरविंद मांझी के घर में आग के लपटों से घर की जो कुछ सामान था वे सारे जल गए। 16 तारीख को 2 बजे खाना बना रहे थे, आग जोड़ के पानी लाने चला गया बाहर चापाकल पर, और उसी दौरान खाया के आग था, बाहर निकला उसके सामान कुछ अलग सामान वहाँ पे रखा था, उसने धर लिया। धरने के बाद सबको मिट्टी तेल किरासन तेल मिला था। मिट्टी तेल धरने के बाद से जो राम था ब्लास्ट किया, ब्लास्ट करने के बाद से पूरा किता धर लिया, पूरा पुरवैया हवा चल रहा था, उसी वजह से सबको आग लगा है। आग लगा उस समय सरपंच या मुखिया जाए थे? कोई नहीं आए थे। वहां जाकर देखा तो सारे सामान जला हुआ था और साथ ही पैसा भी जल गया। वो पैसा सब जल गया, जो बचा है जो सामने है, और पूरा घर का चावल दाल जो था सब जल गया। अभी हम ना कुछ खाने का है ना कुछ पीने का है। नुकसान मेरा सारा संपत्ति नुकसान हुआ, कागज था, LIC था, बॉन्ड पेपर था, पलंग था, चौकी था, खाट था, मेरे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए सामान था, वो सब जल गया। मेरे बच्चे को न ड्रेस है, न कॉपी है, न किताब है, न कलम है, बच्चा क्या चीज से पढ़ेगा, क्या खाएगा। कपड़ा उपड़ा सब जला गया, रुपया उपया सब रखा था वो जला गया, 5000 रुपया जला गया। अब ये घटना ने आपको चावल उबल कुछ नहीं है, ये से क्या करेंगे, भूखे न मरेंगे। मुखिया ने हम लोग का खाली सिर्फ 5 किलो चावल दिए हैं, 1 किलो आलू, 10-15 रुपये का मसाला दिए हैं। मैं वहाँ पहुँची तो पता चला कि पीड़ित लोगों की 4200 रुपये की सहायता मिली है। यहाँ से वीडियो बना के ले गए तो हम लोग का 7 आदमी को लाभ मिला। कितना तक मिला लाभ? 42 रुपये। 7 आदमी के पेमेंट होगा ना? हाँ, 7 आदमी का पेमेंट। ब्लॉक से गए थे तो 4200 रुपया 9 आदमी का क्षति था, 7 आदमी को दिया गया है, 2 आदमी के नहीं मिला है। इतना रुपये से हुए नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है, मैं चाहती हूँ कि इनका और मुआवजा दिया जाए। आप हमारी मदद कर सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को फोन करके। मैं आशा, प्रखंड मखदुमपुर, जिला जहानाबाद, इंडिया अनहट के लिए।